और ये देखिए कितने यहाँ पर पूरा बारिश पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को लेकर आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी को पंडाल के पास और आप लोगों को दिखाते हैं माँ वैष्णो देवी का पंडाल और हमारा पूरा गांधा हो चुका है। देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। और यही है माता का दरबार एकदम बनाया गया है और यहीं से आप ले सकते हैं टिकट। और आप लोगों को बता देते हैं टिकट का दर 50 रुपये है। माता रानी के दरबार में और यही अब प्रवेश द्वार हम लोग जूता चप्पल खोल दिए हैं और आप लोगों को देखिए माता रानी का से दर्शन करने और आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं कैसे कैसे जैसे वैष्णो माता का गुफा में जिस प्रकार से अस्तमय बनाया गया उसी प्रकार से इस गुफा को भी बनाया गया है। आपको फर्स्ट में मिल जाती हैं देवी माता और यहाँ पर महावीर जी और फिर आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए एकदम बनाया गया है गुफा कितना बेहतरीन तरह से और आपको धीरे धीरे चढ़ाई करते चलना है। और आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए बारिश में भी वीडियो हम बना रहे हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग। और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं माता रानी से। और अभी हम चल रहे हैं और देखिए यहाँ पर फिर से मिल गए हमारे महाबली हनुमान जी और देखिए किस तरह से डिजाइन किया गया है गुफा को। और यहाँ पर अंधेरा है फिर आप लोगों को आगे लेके चलते हैं अनेकों देवी देवताओं के पास। देखते हैं किन किन देवताओं को आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप कभी गए हैं वैष्णो माता दरबार में आप लोग प्लीज बताइएगा कि पंडाल कैसा बना है। हम नहीं गए हैं। कितना खूबसूरत से गुफा को बनाया गया है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही है अभी तो आप लोगों से मिलेंगे दूसरे दिन। और देखिए यही है माता रानी का प्रतिमा यहाँ पर। वहाँ पर दान पट्टी रखा है और लगता है हम लोग बाहर आ चुके हैं गुफा से। भैरवनाथ भैरव बाबा और देखिए ये भैरव बाबा का प्रतिमा। तो बताइए आप लोग वैष्णो माता का दरबार कैसा लगा आप लोगों को और सब बेहतरीन तरह से बनाया गया। हम गुफा से बाहर निकल चुके हैं
देखिए पूरा बाल भींज गया है बारिश में, तबीयत ना खराब हो जाए इसी का डर से हम जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरे दिन और दूसरे वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पंडाल अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और माता रानी के लिए आप एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।